जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो 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 मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। बिल्कुल, साधु यादव को चांदी का मुकुट मैंने नहीं पहनाया था, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अध्यक्षता का कोई कोई स्वाभाविक है, अध्यक्षता काल में कोई और किसी को भी पहनाता है। लालू यादव जी ने चैलेंज किया था कांग्रेस को कि कांग्रेस की जो हैसियत थी वो मैंने दे दिया और सोनिया गांधी का क्या है बिहार में। तो लाजमी तौर पर मैं भी राजनीति करता हूँ। साम दाम दंड भेद का उपयोग आवश्यक है, हमने भेद किया, उनकी पार्टी को तोड़ा, उसमें उनके साथ जितने लोग आए, पप्पू साधु यादव आए और लोग आए, उनको मैंने लिया था। विगत 1985 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और अभी लगभग 39 साल हो रहा है। यदा कदा मैं पार्टी के कार्यकलापों के बारे में अपनी बातें कहता रहा हूँ, कभी उसका असर हुआ है, कभी कभी उसका असर नहीं भी होता है। उन बातों में एक बात बहुत प्रमुखता से रही है कि मैं 1998 में जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस समय से उस गठबंधन के मैं विरोधी रहा हूँ। उस समय आदरणीय सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यद्यपि संयुक्त बिहार में 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मगर उस समय भी उम्मीदवारों का चयन लालू जी की मर्जी से ही हुआ था और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि बिहार में सत्ता का पर्याय बन चुकी पार्टी वोटकटवा पार्टी के रूप में जानी जाने लगी थी। पूरे प्रदेश में इसी तरह की बात लोग करने लगे थे और उसके बाद 99 और लगातार, लेकिन मैं इस बात का बराबर प्रतिकार करता रहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन है वह कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। मैं मानता हूँ, कांग्रेस में हूँ और अलायंस का तो मैंने विरोध किया, लेकिन फिर भी मैं साथ था और कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का साथ देकर, खास तौर से तब जब राबड़ी देवी जी की सरकार के दौरान मगध प्रक्षेत्र में नरसंहारों का दौर चल रहा था, चारों तरफ हाहाकार था और खुद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने उस समय खुद कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, यहाँ प्रेसिडेंट को लगना चाहिए, मगर उसके बाद कांग्रेस ने ही उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में प्रेसिडेंट रूल का विरोध किया और फिर बिहार में क्या स्थिति बनी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सच है कि हम साथ रहें न रहें, आम जनता ने उस समय जितनी फिरौती से लेकर, गुंडागर्दी से लेकर, लूट से लेकर क्या क्या नहीं होता था, तो लोगों ने निश्चित रूप से उस सरकार को जंगल राज का नाम दिया था। और हम कांग्रेस के लोग जो स्वच्छ प्रशासन देने की बात करते रहे थे, हम उसका साथ देते रहे। कहा जाता है कि कोई क्राइम करता है वह तो दोषी है ही, लेकिन जो उसको सपोर्ट करता है वह भी उतना ही दोषी है। तो मैं मानता हूँ कि बिहार में उस जंगल राज को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने भी अक्षम अपराध किया है। कांग्रेस उसके बाद इसलिए बिहार में नहीं पनप पा रही है, उठ पा रही है कि जिस तरह से मैं समझता हूँ कि काश कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरह से 84 के दंगों में कांग्रेस की विवादित संलिप्तता के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब के लोगों से क्षमा याचना किया था, काश कांग्रेस का नेतृत्व और ख़ास तौर से सोनिया गांधी जी, जिनके समय में हमने समर्थन देना शुरू किया था, सोनिया जी भी बिहार के लोगों के से उस जंगल राज के लिए क्षमा याचना की होती कि भाई सचमुच हमसे गलती हो गई जिसके कारण लालू राबड़ी का राज परपिचुएट किया और बिहार के लोग तबाह होते रहे 2005 तक। अगर काश एक बार क्षमा याचना बिहार की जनता से कर लिया गया होता तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति बेहतर जरूर होती, क्योंकि जनता कांग्रेस को पसंद करती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वैसे सोनिया जी के नेतृत्व में
2004 में सरकार बनी, 2009 में भी सरकार बनी, लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक समझ है उस समझ के अनुसार सचमुच कांग्रेस के लंबे इतिहास में सोनिया जी और राहुल जी के समय में सबसे कमजोर समझौतावादी और अवसरवादी नेतृत्व रहा है। समझौतावादी इसलिए कि अगर हम कहते हैं कि आप गलत हैं और आपके साथ फिर हम गलबहियां लगते हैं तो समझौता तो इसी को कहा जाता है। अवसरवादिता भी इसी को कहा जाता है कि हम आपको मानते हैं कि आप गलत हैं और फिर आपके साथ हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो लाजमी तौर पर अवसरवादिता है। सबको पता है, देश के लोगों को, कि राहुल गांधी जी एक स्वच्छ छवि के नेता की छवि बनाने के लिए, आपको याद है, अध्यादेश फाड़े थे और चारों तरफ सराहना हुई थी कि राहुल जी कोई नई राजनीति, बेहतर राजनीति देश में करना चाहते हैं। मगर उस समय लालू जी का ही मसला था, जिनके खिलाफ कोर्ट में आदेश आया था और उसका असर लालू जी पर ही होना था। मगर वही राहुल गांधी जी आज लालू यादव जी के साथ गलबहियां लगने में, उनके साथ फोटो खिंचवाने में, उनके घर जा कर के मटन भात खाने में गौरव महसूस करते हैं। ये समझौता है, ये अवसरवादिता है। लाजमी तौर पर उसका असर पड़ रहा है, लोगों पर असर पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे, क्योंकि पार्टी में जो आम कार्यकर्ता है वह तो अनुशासन के तहत आपकी बात मान लेगा, आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए आपका साथ देगा, लेकिन आम जनता तो गुलाम है नहीं। आम जनता तो आपको परखेगी, आपको एसेस करेगी कि आप भाई आपके कार्यकलाप कैसे हैं। वैसे चारों तरफ आज ही हम देख रहे थे जब आने के पहले कि पटना दिल्ली में संविधान बचाओ रैली हो रही है। आप लोग पत्रकार हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ कांग्रेस जनों से आपकी भी बात होती रही होगी। मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जी के टेक ओवर करने के बाद 99 से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, कि पार्टी में कोई व्यक्ति पटना से लेकर दिल्ली तक नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि अनिल शर्मा ने मेरे पास MLC बनने के लिए कभी कोई अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया, या राज्यसभा की सदस्यता के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कभी नहीं किया है, हम सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, आई हैव नॉट अप्रोच। मैं शुद्ध रूप से पोलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आप देखिए, हमने अभी दे रहे हैं, जो आदमी 39 वर्षों में सिर्फ 4 साल पार्टी के पद पर रहा हो, वह अगर अवसरवादी होता, पद के पीछे रहता, तो लाजमी तौर पर 4 ही साल रहेगा। मैं तो 2 साल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा 1998 to 2000, और 21 महीने के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, 39 साल में मात्र 4 साल। तो इसलिए मेरे ऊपर यह नहीं कह सकते कि मैं कोई पद के कोई असुविधा के कारण, कोई निजी हित के टकराव के कारण ऐसी बात कह रहा हूँ, मेरा उससे मतलब नहीं है। तात्कालीन कारण है, मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। बिल्कुल, वह भी कारण है। हाँ जी, साधु यादव को चांदी का मुकुट मैंने नहीं पहनाया था, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अध्यक्षता का कोई स्वाभाविक है, अध्यक्षता काल में कोई और किसी को भी पहनाता है, लेकिन उस समय अगर मैंने साधु यादव को ज्वाइन कराया था तो लाजमी तौर पर वह एक युद्ध की स्थिति थी, वार का सिचुएशन था। लालू यादव जी ने चैलेंज किया था कांग्रेस को कि कांग्रेस की जो हैसियत थी वो मैंने दे दिया और सोनिया गांधी का क्या है बिहार में। तो लाजमी तौर पर मैं भी राजनीति करता हूँ, साम दाम दंड भेद का उपयोग आवश्यक है। और उस समय लालू जी जिस तरह से शहंशाह बने हुए थे, उस समय साम मतलब मिन्नत से वो नहीं मारने वाले थे, दाम का मतलब उनको खरीदने का भी कोई मामला नहीं था, दंड का मतलब उनको कोई दंडित भी हम नहीं कर सकते थे। तो लाजमी तौर पर हमने भेद किया, उनकी पार्टी को तोड़ा, उसमें उनके साथ जितने लोग आए, पप्पू साधु यादव आए और लोग आए, उनको मैंने लिया था। ऐसा है ना कि कई बार कई समस्याएं रहती हैं और जब बहुत एक्यूट हो जाता है तब कोई स्टेप लेता है, और इश्यूज तो रहता है लेकिन स्टेप्स लेने का कोई एक्यूट सिचुएशन जब आता है तभी स्टेप लेता है, तभी मैंने लिया। लाइव बिहार।
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।